बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया और फैशन पिक्चर की याद आई मुझे, और कई बार मैं रैंप पे चल चुका हूँ लेकिन अच्छा लगा। और ख़ास करके कैलेंडर गर्ल्स मेरी लीडिंग लेडीज़ जो थी वो आज फ्रंट रो में बैठी थी और वो चेयर कर रही थी, तो मज़ा आया मुझे और अच्छा लगा कि कुछ तो हौसला अफजाई हो रहा है पीछे से। देखिए मैं इनकी क्वालिटी जो है फिल्म के माध्यम से बताऊँगा, क्योंकि जब आप फिल्म देखोगे कि मैं बेसिकली जो है सब मिडिल क्लास फैमिली से, अच्छे घर से, बहुत पढ़े लिखे घर से आई है, और जब इन लोग ने जो ऑडिशन किया, जो सीन किया, इतना अच्छा किया, इतना बेहतरीन किया, मुझे लगा कि ये परफेक्ट है रोल के लिए। जब भी ये लड़कियाँ आई मुझे देखा, मतलब हाँ भाई ये मेरे कैरेक्टर दिख रहा है इसमें को, और सब लोग ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं कहूँगा जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको लगेगा कि इतने मंझे हुए कलाकार, क्योंकि मैंने बिपाशा बासु, तब्बू, रवीना, प्रियंका, करीना सब बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, न्यू कमर्स के साथ भी काम किया है, लेकिन इन लड़कियों ने जो बोलते ना कि टैलेंट और खूबसूरती और एक जो कैलेंडर गर्ल्स का लुक चाहिए था, वो तीनों की जो श्रेणी है वो इतना अच्छी तरह से इन्होंने लाया है पिक्चर में, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैलेंडर गर्ल्स की डेट इसलिए पीछे गई मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता था इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिले, सेंसर ने ए सर्टिफिकेट दिया है, कोई काटा नहीं है पिक्चर में, उनको पिक्चर बहुत अच्छी लगी है, लेकिन मुझे लगा कि ये जो यूथ है, जो आज का यूथ है, एवरीबडी शुड कनेक्ट विद द मूवी कॉल्ड कैलेंडर गर्ल्स, दे शुड सी कि एक ब्लिस और ग्लैमर की इंडस्ट्री क्या है, इसलिए आई फेल्ट इट कि आई शुड गिव अ ट्राई एंड यूए सर्टिफिकेट ले जाना चाहिए इसलिए। और सेम टाइम मुझे गाने का प्रमोशन करना था, एट द सेम टाइम मुझे चाहिए कि पब्लिसिटी अच्छी हो पिक्चर की, काफ़ी पिक्चर्स भी आ रही है, तो मैंने यूए के लिए अप्लाई किया, जो 4-5 दिन में सेंसर में आ जाएगी तो पता चलेगा पोजीशन क्या है।